बादलों के समुंदर में जागने का सोचो। हवा ताजा और ठंडी है, हल्की सी धुंध छाई हुई है। यह है मुन्नार, केरल, इंडिया के पश्चिमी घाट में बसा एक हिल स्टेशन, और मुन्नार के ऊपर है कोलुकुमलाई, एक छुपा हुआ हीरा जिसका इंतजार है खोजे जाने का। मुन्नार इंद्रियों के लिए एक खुशी है। लहराती पहाड़ियां पन्ने जैसी हरी चाय के बागानों से ढकी हैं। हवा मसालों और ताजी चाय की पत्तियों की खुशबू से महक रही है। झरने पहाड़ों से नीचे गिर रहे हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आप शहर की भागदौड़ से वाकई बच सकते हैं। कोलुकुमलाई मुन्नार शहर की भीड़ से दूर एक दुनिया है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे चाय बागानों का घर है। कोलुकुमलाई पहुंचना अपने आप में एक रोमांच है। एक उबड़ खाबड़ जीप की सवारी आपको घुमावदार सड़कों और लुभावने दृश्यों से होकर ले जाती है। ये सफर इसके काबिल है। कोलुकुमलाई की चोटी से आप एक ऐसा सूर्योदय देख सकते हैं जो आपके साथ हमेशा रहेगा। चाय मुन्नार की जान है। पहाड़ियां चाय के बागानों के पैबंद से ढकी हुई हैं। ये बागान औपनिवेशिक काल के हैं। ये इस क्षेत्र के इतिहास और विरासत का प्रमाण है। चाय के बागानों में घूमना अपने आप में एक अनुभव है। हवा ताजा और स्फूर्तिदायक है। चाय की झाड़ियों की कतारें अनंत तक फैली हुई प्रतीत होती हैं। आप चाय बनाने की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं। पत्तियों को तोड़ने से लेकर सुखाने की अंतिम प्रक्रिया तक यह एक आकर्षक यात्रा है। मुन्नार विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का भी घर है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अवश्य देखने योग्य जगह है। यह लुप्त प्राय नीलगिरी तहर का घर है। आप हाथियों, तेंदुओं और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों जैसे अन्य वन्य जीवों को भी देख सकते हैं। टाटा टी म्यूजियम जाने का मौका न चूकें। आप मुन्नार में चाय बागानों के इतिहास में उतर सकते हैं। संग्रहालय पत्ती से कप तक चाय की यात्रा को प्रदर्शित करता है। आप मनोरम दृश्यों का आनंद लेते हुए ताजी बनी चाय का एक कप भी ले सकते हैं। कोलुकुमलाई की यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। सड़क एक उबड़ खाबड़ जीप ट्रैक है। यह पहाड़ की ओर ऊपर की ओर जाती है, लेकिन रोमांच आकर्षण का हिस्सा है। जीप मजबूत और भरोसेमंद है। वे आसानी से खतरनाक रास्तों पर चलती हैं। ड्राइवर अनुभवी और जानकार हैं। वे आपको इस क्षेत्र के बारे में कहानियां सुना सकते हैं। रास्ते में आपको लुभावने नजारे देखने को मिलेंगे। आपको हरी भरी घाटियां, झरने और धुंध से ढकी चोटियां दिखाई देंगी। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, हवा ठंडी और ताजा होती जाती है। कोलुकुमलाई में सूर्योदय का इंतजार हर मोड़ के साथ बढ़ता जाता है। जीप की सवारी कोलुकुमलाई अनुभव का एक अभिन्न अंग है। यह प्रकृति से जुड़ने का मौका है। आप पश्चिमी घाट की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करेंगे। भाग चार, बादलों के ऊपर सूर्योदय। कोलुकुमलाई का मुख्य आकर्षण सूर्योदय है। इस तमाशे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, और यह वास्तव में एक अविस्मरणीय अनुभव है। जैसे ही सुबह की पहली किरणें फूटती हैं, आकाश रंगों के कैनवास में बदल जाता है। आपके नीचे के बादल नारंगी और गुलाबी रंग के चमकीले रंग में बदल जाते हैं। सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर झांकता है। यह आसपास की चोटियों को सुनहरी चमक से नहलाता है। बादलों के ऊपर इतनी ऊंचाई पर खड़े होकर आपको शांति और सुकून का एहसास होता है। दुनिया थमी हुई लगती है। यह शुद्ध जादू का क्षण है। सूर्योदय के बाद आप कोलुकुमलाई के चाय बागानों का पता लगा सकते हैं। ये बागान दुनिया के सबसे ऊंचे बागानों में से एक है। आप इस ऊंचाई पर चाय उगाने की अनोखी चुनौतियों के बारे में जान सकते हैं, और हाँ, आप शानदार दृश्यों के साथ ताजी बनी चाय का आनंद ले सकते हैं। भाग पांच, मुन्नार के स्वाद और अनुभव। स्थानीय संस्कृति का अनुभव किए बिना मुन्नार की कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। स्थानीय व्यंजन स्वादों का मिश्रण है। यह क्षेत्र के विविध प्रभावों को दर्शाता है। पारंपरिक केरल व्यंजन जरूर ट्राई करें। अप्पम स्टू के साथ नाश्ते का एक लोकप्रिय विकल्प है। दोपहर के भोजन के लिए चावल के साथ केरल मछली करी का प्रयास करें, और नाश्ते के लिए आप केले के पकौड़े के साथ गलत नहीं हो सकते। साहसिक गतिविधियों के शौकीनों के लिए मुन्नार कई तरह की गतिविधियां प्रदान करता है। आप पहाड़ियों में ट्रैकिंग पर जा सकते हैं। रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग भी लोकप्रिय विकल्प हैं। अधिक आरामदायक अनुभव के लिए आप कुंडला झील पर नौका विहार कर सकते हैं। संस्कृति में पूरी तरह से डूबने के लिए स्थानीय मसाला उद्यान जाएं। आप केरल में उगाए जाने वाले विभिन्न मसालों के बारे में जानेंगे। आप घर ले जाने के लिए ताजे मसाले खरीद सकते हैं। यात्रा है जो हरे भरे